नमस्कार दर्शकों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल वीआर एस्ट्रोलॉजी में। दर्शकों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2025 में आपकी राशि के लिए विवाह के योग कब बनेंगे, कब आपका रिश्ता तय होगा, कब विवाह संपन्न होगा, संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। तो आप ये वीडियो पूरा जरूर देखिए, आपके लिए जानकारी लाभदायक सिद्ध होगी। इसके अलावा दर्शकों, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे नंबरों पर संपर्क करके आप अपना कॉल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब आते हैं दर्शकों, हम हमारे विषय पर। देखिए दर्शकों, विवाह के लिए अगर किसी की कुंडली को देखा जाए तो सप्तम भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में विवाह का अध्ययन करने के लिए सप्तम भाव को देखा जाता है। सप्तम भाव के मालिक की दशा या अंतरदशा जब भी कुंडली में प्रभावी होती है तो विवाह के योग बनते हैं। आपको इस बात को समझना होगा कि देखिए, आप अपनी कुंडली में सबसे पहले देखिए कि सप्तम भाव की क्या स्थिति है। अगर सप्तम भाव शुभ स्थिति में है तो आपका विवाह उतना ही जल्दी होता है, और सप्तम भाव पीड़ित होने की दशा में आपके लिए स्थितियां बिगड़ जाती है। कोई ना कोई विघ्न बाधाएं आती रहती है, किसी ना किसी कारणवश बात आगे बढ़ती रहती है, विवाह होने में बड़ी दिक्कतें आती है। अब देखिए दर्शकों, अगर आप ज्योतिष का थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं तो आप अपनी कुंडली में स्वयं देख सकते हैं कि सप्तम भाव की क्या स्थिति है। अगर आपको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है तो आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। अब देखिए दर्शकों, विवाह के लिए जितना सप्तम भाव महत्वपूर्ण है उतना ही गुरुदेव बृहस्पति भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन में हमारे जितने भी शुभ और मांगलिक कार्य होते हैं वो गुरुदेव बृहस्पति की कृपा से ही होते हैं। जब गोचर में गुरुदेव बृहस्पति का सपोर्ट सप्तम भाव को मिलता है तब विवाह की प्रबल संभावनाएं बन जाती है। अब देखिए दर्शकों, आपकी राशि के लिए देखते हैं कि गुरुदेव बृहस्पति ट्रांजिट में कब विवाह के योग बना रहे हैं, किस महीने में आपका विवाह होगा, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। देखिए दर्शकों, मकर राशि वालों के लिए विवाह की स्थिति को समझें तो गुरुदेव बृहस्पति का गोचर अभी आपकी राशि से पंचम भाव में हो रहा है। वृषभ राशि में गुरुदेव गोचर कर रहे हैं। यहां पर 14 मई 2025 तक गुरुदेव रहेंगे। इसके बाद 15 मई को वो मिथुन राशि में चले जाएंगे, यानी आपकी राशि से सिक्स हाउस में चले जाएंगे। अभी देखिए, गुरुदेव का गोचर आपके लिए शुभ बना हुआ है, क्योंकि गुरुदेव की नवम दृष्टि आपकी राशि पर है। अभी गुरुदेव आपके विवाह के योग बना रहे हैं। इसके बाद 15 मई 2025 के बाद स्थितियां थोड़ी कमजोर हो जाएंगी, क्योंकि सिक्स हाउस में गुरुदेव चले जाएंगे तो वो आपकी राशि को भी शुभता नहीं दे पाएंगे, ना ही सप्तम भाव एक्टिवेट होगा। तो इस बात को समझिए, 15 मई से पहले आपके विवाह होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। हालांकि 2025 में अक्टूबर के आसपास एक योग जरूर आएगा, उसकी हम बात करेंगे, परंतु आप कोशिश करिए कि 15 मई से पहले आपका विवाह हो जाए। इसमें भी देखिए, जो सबसे खास महीने आपके विवाह के लिए रहेंगे वो हम आपको बताते हैं। देखिए, मकर राशि वालों के लिए एक दिक्कत क्या होती है कि या तो आप अपने करियर बनाने के चक्कर में लेट कर देते हैं, या फिर परिवार की जिम्मेदारियों के चलते आपका विवाह डिले होता रहता है। परंतु एक बात समझिए कि अभी जो विवाह का योग आ रहा है उसको मत टालिए। इसमें भी सबसे अच्छा जो रहेगा, ये आने वाला महीना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। दिसंबर 2024 बहुत अच्छा रहेगा विवाह होने के लिए। इसके बाद जनवरी और फरवरी का महीना भी बहुत शुभ है, यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये तीन महीने बहुत ही प्रबल विवाह के योग बना रहे हैं आपके लिए। अगर आपकी कुंडली में ग्रह स्थितियां अच्छी है, दशाएं अंतरदशाएं भी सप्तम भाव से संबंधित या सप्तम भाव में बैठे ग्रहों से संबंधित चल रही है, तो निश्चित मानिए इन तीन महीनों के भीतर आपका विवाह हो जाएगा। इसके बाद देखिए दर्शकों, योग कमजोर हो जाएंगे, तो इस बात को सीरियसली लीजिए। आप कोशिश यही करिए कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपका विवाह हो जाए। इसके बाद देखिए दर्शकों, आपके लिए जो 2025 के अंत में एक योग बनेगा, जब गुरुदेव बृहस्पति वक्री होकर कर्क राशि में आएंगे, यानी आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, पर यहाँ पर गुरुदेव का गोचर बहुत कम समय के लिए होगा, यानी वो गोचर बहुत कम समय के लिए होगा तो योग भी बहुत कम समय के लिए बनेगा। इसमें जो देखिए, 18 अक्टूबर को गुरुदेव आएंगे वक्री होकर कर्क राशि में, तो 18 अक्टूबर से 25 नवंबर के बीच में आपके विवाह होने की संभावनाएं प्रबल होगी, यानी ये ज़्यादा समय नहीं है, 1-1.5 महीने का समय रहेगा, इसमें भी आपका विवाह हो सकता है। तो ये कोशिश करिए आपकी तीन महीनों में शुरू में ही हो जाए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में। अगर इसमें किसी कारणवश नहीं हो पाया तो 18 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में आपका विवाह हो सकता है। अब देखिए दर्शकों, मान लीजिए आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, 30+ आप हो चुके हैं, विवाह में विघ्न आ रहे हैं,
तो इस बात को समझिए कि गुरुदेव का सपोर्ट तो आपको मिल रहा है, ऑलरेडी गुरुदेव आपकी राशि को एक्टिवेट कर रहे हैं, फिर भी आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली पीड़ित है। इस बात को समझना होगा आपको, सप्तम भाव पीड़ित है। अब कुंडली का समय रहते आपको विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए, और जो ग्रह स्थितियां पीड़ित हैं उनकी शांति या उपाय जरूर करवाने चाहिए, तभी विवाह होता है। और अविवाहित योग होगा कुंडली में तो फिर तो कोई उपाय काम ही नहीं करते हैं उसमें, क्योंकि वो प्रारब्ध का खेल बन जाता है, फिर आपके वो पूर्व जन्म या पिछले जन्मों के कर्म होते हैं, इस कारण विवाह होता ही नहीं है। इस बात को तो समझना ही होगा आपको। बस भगवान से प्रार्थना यही करिए कि आपकी कुंडली में अविवाहित योग ना हो। अब देखिए दर्शकों, आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि 2025 में आपका विवाह हो जाए, और चंद्रमा के उपाय जरूर करिए, पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं आप, इससे आपके विवाह के योग जल्दी बनेंगे। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो इसको आप लाइक करिए, हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो हमारे नंबरों पर संपर्क करके आप अपना पोल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। मिलते हैं दर्शकों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।